पूजा, ओ पूजा, अरे महारानी ने बाहर को निकल के आ। हाँ मम्मी जी बोलिए। ये जुल्फन ने खोल के कहा जा रही है, हैं? ना कहा जा रही है दिखा के? इन्हें बांध ले। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? जी, हाँ मम्मी जी बताइए, कुछ काम था? घर में इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? तू करेगी? हैं? हाँ मैं करूंगी, आप बता दी। कहाँ करती? तू ही तो नहीं करती। लंबा लंबा काजल लगा के, है ना, मोरनी जैसी आंख बना के, जरूरत क्या है इतना सारा खर्चा करने की? हैं? तेरे मायके से आता है ये सारा लिपस्टिक बिंदी, काजल बिंदी, हैं? इन्हें बांध के रखा कर, समझ में आ गई ना? किसी दिन मेरी चाय में पड़ गया ना ये, है ना, तो तेरा गला दबा के ना यहीं दफना दूंगी इसी घर में। मम्मी जी मैं मेकअप भी ना करूं क्या? तो मेकअप कर, लेकिन इन्हें ना थोड़ा बांध के रखा कर, मेरे सामने झूठने ना खुले होने चाहिए। टेंशन में रहती हूं मम्मी जी। क्या कह रही है? जब तुझे क्या मैं बूढ़ी दिखाई दे रही हूं? तो ऐसे मत बोला करो। आ चल ठीक है, तू जाके वो क्या कहते हैं घेर में सानी करके आ, और उसे रागनी को बुला के ला जा, चल। अरे रागनी, रागनी। हाँ मम्मी, मम्मी जी आपको बुला रही हैं। मम्मी? हाँ। क्यों? काम की बोल रही हैं। काम की बोल रही हैं? हाँ। चलो माता जी आपको बुला रही हैं। अभी बुला के लेके तो ना आई, जब तक मैं अपना गला ना चीख लूंगी ना, इन डायनों के चैन थोड़ी ना पड़े। रागनी, महारानी पद्मावती, जल्दी आओ। जी मम्मी बताइए। जी मम्मी बताइए, हैं? तू भी अपने झुंड खुले रखने लग गई, कहीं शादी में जा रही है, हैं? हाँ मम्मी खुले बाल अच्छे लगते हैं। किसको दिखाती है जरा बता दे मुझे भी। काम कर लिया? हाँ मम्मी जी कर लिया मैंने। अरे तो इतनी मटक मटक के क्यों दिखा रही है, कुछ मिल गया है तुझे? हाँ मम्मी जी आज मैंने ना तुम्हारे बैठे थे ना वीडियो कॉलिंग में बात की थी मैंने। हैं? हाँ। हमारे घर में वीडियो कॉलिंग पे बात ना होती है? फोन कहाँ है तेरा? फोन ले गया, फोन कहाँ है तेरा? मम्मी जी फोन दे दे मुझे, अभी जाइयो फोन लेके आइयो। वो तो आप ही के फोन से करा था मैंने, मेरे पास फोन कहाँ है? मेरे फोन से? जी। तू मेरा फोन लेती है? नहीं उनकी कॉल आई थी, आप थी नहीं तो मैंने उठा ली। अच्छा अच्छा, कुछ कह रहा था? नहीं वो आपके पूछ रहे थे अगर, और मम्मी सब ठीक है? मैंने कहा हाँ मम्मी ठीक है, मम्मी को खाना खाओ। मेरे सामने बात करेगी, अकेले में बात नहीं करेगी, समझ में आ गई ना? ठीक है। इस घर के जो रूल है ना तोड़ने मत दी, तोड़ूंगी नहीं मैं, समझ में आ गई ना? तू आ गई तो कभी तो सोचे मैं महारानी पद्मावती उस पर बैठ जाऊंगी, समझ में आ गई ना? है मम्मी तुम्हारे लिए एक बात था, हम तुमसे ऊपर हो जाएंगे। तो होना होना भी नहीं चाहिए, सास को भगवान के दर्जे को देना चाहिए। और मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी सास हूँ, ऐसी सास तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। आ जाके काम भी कर लो, जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ला, चाय अदरक वाली के लेके आई हूं। हां तो जा, जैसे तू सजी सवरी है ना, ऐसी अगर चाय नहीं हुई ना तो तू देख ले तेरे मुंह पे मारूंगी फेंक के। लो मम्मी जी चाय। चाय का कलर तो अच्छा लग रहा है, पी के बता। अभी बताती हूं। वाह वाह वाह, मान गई मेरी बहुएं, तीनों लाजवाब है। अरे तीनों के दिमाग से धाना आया, तीसरी कहां गई? वो मम्मी जी घर पे ही अंदर है। घर पे मुझे तो दिखी नहीं, कहाँ गई? जा जा जल्दी लेके, जा जल्दी बुला के ला उसे तीसरी को। अरे उज्मा, अरे उज्मा। अरे हाँ बड़ी भाभी, क्या हो गया? अरे मम्मी बुला रही है तेरे को। अरे भगवान, अम्मी तो आपको लग रहा खटिया खटी, मूड कैसा है? मूड अभी तो खैर मैंने चाय बना के पिला के, और चाय अच्छी थी तो मूड अभी तो ठीक है। अरे हाँ। फिर तो ठीक है, तो सही मूड पे जा रही हूँ, बनना तो जूते पड़े ही पड़े थे। चल चल चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। मम्मी, अब मम्मी पाव ला दूँ। मम्मी तो जा चश्मा पहन लू। हाँ अभी पैर छुए मैंने, झुकी भी है हाँ, ऐसे? ना ना अम्मी पूरी झुकी। ठीक है ठीक है, कहाँ थी तुम? अम्मी मैं तो अंदर ही थी, कपड़े प्रेस कर रही थी आपके। मेरे? हाँ। अरे मैंने तुझे इसे देखने भेजा था, इसी बताइए क्या कर रही थी? हाँ मम्मी प्रेस कर रही थी आपके कपड़ों पे, जो आपकी धोती थी ना साड़ी। अरे जो कल उतारी थी आपने, तो बताइए तो मैंने कल कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? अरे ब्लू कलर की पहनी थी अम्मी। अच्छा अच्छा, तो कमेरी है मेरी तीनों, है ना? हाँ। वो वो पूजा को मैंने वो घेर में सानी करने के लिए भेजा। हाँ, वो कर रही है। आई नहीं है वो? अरे वो कर रही है। मुझे डर लगा रहता, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी बहू को गंदी नजर डाल के। अरे अम्मी आपकी जैसी सास होते हुए किसी की मजा ले, हमें कोई देख ले पलट के? देखो बेटा जमाना बहुत खराब है, अपने आप को संभाल के रखना। जब तक मैं हूँ मेरे घर पे तो कोई नजर नहीं डाल सकता। नहीं नहीं, अरे गलती सास हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। ना हो ना, सास हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। हाँ, सही बात, बहू हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। हाँ, अब जा जाके
और कोई सेवा करनी है? नहीं नहीं की? तुम्हारी बहुत देर से तेरी तो खिचड़ी पक गई, तेरी रामायण सुन ली, बहुत देर हो गई तुम्हें मुझ पे तेल लगाते लगाते मक्खन लगाते लगाते। अम्मी ना काम तुम्हारा बाप करेगा आके है या तेरी माँ करेगी है? ये लगा के लाली लिपस्टिक ना तुम मुझे रिझाने की कोशिश मत करना। हाँ मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को लाली लिपस्टिक लगवा के गली गली डुलाऊंगी, समझ में आ गई ना? काम कर लो जाके। और ये सोने की चूड़ी पहनने की क्या जरूरत थी तुझे जब मैंने तुझे अल्टीपिशन की ला के दी थी, उतार के दे देना, समझ में आ गई ना? ठीक है अम्मी अभी उतार दूंगी। और ये क्या है ना, क्या है ये अम्मी? अरे यूं बने ठने रहे अम्मी, तुम्हारी बहू है कोई आ जा तारीफ करे। मैं ना चाहती कि तुम बनी ठनी रहो, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम सादा सिंपल साड़ी में रहो, बस मैं नहीं चाहती। अम्मी मेरी साड़ी पहनोगी आपके तीनों की आपके बेटों की बेइज्जती होंगी। बताओ अम्मी आप बाहर कमा रहे, बहू अच्छा कपड़े ना पहने, जाके काम कर लो, समझ में आएगी ना? खेत पे जा और बरसी काट के ला, चल जा। और तू अच्छा तुझे इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा मुझे। अच्छा बता दो, क्या बता दो तुझे? मुझे भी बता दो क्या काम करना है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, समझ में आ गए ना? उतार लो, उतार के प्रेस करके और रख दे अलमारी में, और फिर मुझसे काम पूछ नहीं हो, मैं बताऊंगी फिर काम। जा पता ना आजकल की बहू कैसी है, सुनती ही नहीं है। अगर मैं इन्हें इतना खींच के ना रखू ना तो मुझे घर से धक्का दे देंगी। ना 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 सही कर रही है जो भी कर रही हूँ। अरे चमेली देवी है क्या घर पे? चमेली देवी, चमेली देवी जी। सर कौन आप? कौन जी? मैं उनकी बहू हूँ। चमेली देवी की बहू हैं आप जी? कहाँ है चमेली देवी? चमेली देवी कहाँ? वो अंदर कमरे में हैं। बुलाइए उनको जी, अभी बुलाती हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब आए, बुलाइए उनको। फिर जमा नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, सारा दिन मम्मी मम्मी, क्या है? वो पुलिस वाले आए थे घर पे। पुलिस वाले आए थे? हाँ मम्मी जी, वो आपको पूछ रहे थे। अच्छा, वो कह रहे थे कि चमेली देवी कहाँ है। क्यों पूछ रहे थे, थोड़ा पूछ लेती? कुछ मैंने तो पूछा नहीं मम्मी जी, वो गेट के बाहर ही खड़े हैं। तू क्यों गई थी बाहर? नहीं मैं नहीं गई थी। अरे तो आवाज सुन के तू मुझे बुला लेती, मैं तो तुझे भी देखने का नए नए आदमियों का शौक है। नहीं मम्मी जी, मैंने आपको बुलाया तो है अभी। अच्छा हाँ, आप बात कर लीजिएगा। तू जा, तो मैं वो क्या कहते मैं कर लूंगी, बैठ जा। जय जय जान। और जब तक मैंने कह दू आइयो मत सर, और उन दोनों से भी कह दियो। चमेली देवी आई नहीं अभी? चमेली देवी, अरे चमेली देवी। हाँ जी बताइए। आप ही चमेली देवी? आप ही हैं चमेली देवी? जब खड़ी हूँ मैं इस घर की मालकिन तो मैं ही होंगी। अरे वही बात, चमेली देवी हमें क्या मालूम है किसका नाम है चमेली देवी? अरे मेरा ही नाम हो सकता है, बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? हाँ आपका नाम है। हाँ। मुझे पता है आपका नाम चमेली देवी है। हवलदार जी जरा इधर आओ। अच्छा चमेली देवी, मैं ये कह रहा था कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, एक डेढ़ महीना हो गया। अच्छा, और आपने भैंस के ऊपर कोई लोन लिया था? भैंस जब खरीदी थी तो कोई लोन लिया था बैंक से? अरे हाँ, हम काहे को भैंस का भैंस पे लोन खरीदते हैं? अरे वो बैंक वाले क्या हम लोन जमा ना करते फिर तो भैंसों को ले जाते हमारियों को। और हमारे पास इतना घर मकान दुकान, लड़के मेरे विदेश में काम करते हैं, है? तुम्हें लग रहा है कि मैं लोन लेने की लोन ले सकती हूँ मैं? अरे जब उसमें लिख रहा है जब हमारे पास एक शेड्यूल आया है। ना ना मैंने मुझे दिखाइए, देखिए ये देखिए पढ़िए इसको। लिया है ना? नहीं देता है, उम्र हो गई। हाँ हाँ देख चश्मा लगा कर देखिए, लिख रहा है चमेली देवी। हाँ हाँ दिखा, 10 लाख रुपए लोन पर लिए ये। इस पर्चे को तुम मुझे दे जाओ। हाँ, मैं अपनी बहुओं से पढ़वा लूंगी। पढ़वाइए बिजली का बिल ये। हाँ हाँ सारे दे जाओ सारे, सब ठीक है। ठीक है ठीक। और है? और पर्चे हैं क्या? अरे नहीं है, ये दो ही हैं। यही तो चुका दो, लेकिन इसको चुकाइए आप। बिजली का बिल तो देखो जी ऐसा है कि बच्चे मेरे विदेश में। अच्छा, वो आए नहीं है। जब तक वो आएंगे नहीं बिजली का बिल चुकेगा नहीं, ये चुकेगा नहीं। और मैं नहीं जानता, ये फर्स्ट वार्निंग है, सेकंड वार्निंग हुई तो आपको उठा लेंगे। क्या कह रहे हो, इंग्लिश तो फारसी तो झाड़ो मत, सीधे सीधे हिंदी में बात करो हमसे। लाइट कटवा देंगे हम, तुम्हारी लाइट कटवा देंगे और कुछ। मुझे तो भैया ऐसा लग रहा है कि तू ही तो दिखे इस घर का, नहीं तो ये पूरे इंडिया को चल रही है। हवलदार से बात नहीं करो, मुझसे करो बात। अरे तो हवलदार मुझसे क्यों कर रहा, मैं क्यों करूंगी उससे? समझ लो ये मोती। हां क्या कह रहा है?
सॉरी मैं आंटी को आंटी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वैसे मैं आंटी जैसी उम्र की हूँ नहीं अभी। अरे बोलिए देख लेगा ना तो हिल जाएगा। हमें मालूम है हम अभी भी हिले हुए हैं आपको देख करके, लेकिन आप बोलिए फटाफट क्या बोलना है आपको। मेरे कहने देखो बच्चे नहीं आएंगे तब तक बिजली का बिल नहीं भरेगा। अच्छा कोई मिनिस्टर आओ दरोगा आओ डीएम आओ कोई भी आओ ठीक है तो हमें सख्त कार्रवाई लेनी पड़ेगी। मैंने लोन ली नहीं लिया किसी में दम है तो मेरी भैंसों को ले जाके दिखा दे। अरे तो आप ये बताइए अगर लोन लिए लोन नहीं ली। अरे नहीं ली नहीं ली नहीं ली नहीं ली तो शेड्यूल का मतलब फर्जी बना दिया हमने। शेड्यूल में लगा दो मिट्टी का तेल छिड़क के आग और तुम गिर जाओ ऊपर से। अब देखिए मैं कुछ नहीं जानता आप ऐसा है हमारा टाइम बर्बाद मत करो। मेरी बहुए तीनों अकेली हैं और पर्चे हो तो भैया ला और दे जा। मैं सेकंड वार्निंग और दे रहा हूं। अरे ये उंगली नीचे करके बात कर भाई दरोगा होगा अपने लिए समझ में आ गई ना। मैं अपनी बहुओं की नहीं सुनती उंगली पर रखती उंगली पे। कानून को उंगली नहीं दिखा सकती कानून के सख्त खिलाफ है। सुन मेरी एक मिनट बात कानून को नहीं दिखा सकती तो ये तेरा घर नहीं है समझ में आ गई ना। ये दूसरे का घर है और दूसरे के घर पे ऐसे चढ़ के बात नहीं करते और लेडीज से तो खास करके नहीं समझ तो में आ गई। आप पर कोई हाथ तो छाला नहीं है मैं आपको मारा तो है नहीं है। अरे तो तू मारेगा तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ। चलो दरोगा जी चलो ठीक है तो आप मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाह रहा मैं कल आऊंगा ठीक है। ठीक है जी ठीक है आप कल मुही तीनों की तीनों डाइन चंपा चमेली या नारकली बाहर निकल के आओ जल्दी। अरे अम्मी हाँ अम्मी बताओ क्या हो गया। अम्मी की बच्चियों मेरा तो ऐसा मन कर रहा है तुम्हारा गला घूट दूँ। अम्मी क्या हो गया हमने क्या कह दिया। मैं एक मिनट घर से गायब क्या हो जाती हूँ तुम दोनों ना आशियाना बना देती हो इस घर को। ना 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 मम्मी छोटी तू जरा क्या कर दिया अब बताओ क्या हो गया। मम्मी तू बढ़िया इधर इधर आ ले और इसे तू पढ़ ठीक है ये दोनों पढ़ देंगी पढ़ ही नहीं ये पढ़ पढ़ पढ़। हाँ बस अम्मी तो बैंक का है। बैंक का हाँ हाँ अम्मी ये तो बैंक का बिल का है। बिल का चल बिल का तो सही है हमें बिल भरानी है बच्चे आ जाएंगे तभी तो भरेंगे। अम्मी बैंक का तो है ये। हाँ तो मुझे ये बता दो कि इन पे लोन कैसे ली किसने ली तुम तीनों की चाल तो नहीं है बता दो मुझे। अम्मी क्या सी बात कर रही हो हम तुम्हारे बिना पानी ना पिए बिना जाग तुम लोन की बात कर मेरे बगैर तो तुम सोच सरकती भी नहीं हो। नहीं अम्मी ना सरकेंगे हम हमें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लोन लेके भैंसों पे अपने मायके तो नहीं भिजवा दी वैदिक तुम्हारे मायके वाले भूखे नंगे। ना 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 मम्मी एक बात बताओ घर से बाहर तो निकलते नहीं आपसे बिना पूछे। अच्छा मैं एक महीने के लिए बाहर चली गई थी कहीं तुमने पीछे इसलिए गुल तो नहीं पीछे गुल तो नहीं खिला लिए। तुम आस पड़ोस वालों से पूछ लो अगर हम दरवाजे पे भी झांके हो सच्ची। हाँ तुम्हारा जूता होगा हमारी जान होगी। लेकिन मुझे ये बता कि ऐसे कैसे कोई ले सकता है बैंक से लोन जरा बता। मैं पुराना माने एक बात राय दूं। हाँ बोल है आप ना अपने बेटे से बड़े वालों से पूछ लेना वो एक बार इस मसले में बात कर रहे हैं। बेटा कौन होता है जब मैं हूँ तो और तुम तीनों कौन होती हो। मैं अपने आप हैंडल करूंगी इस काम को समझ में आ गई ना। वो तो मैं बता रही थी बता रही थी अपनी राय मुझे मत दो और तीनों की तीनों तितली निकलो यहाँ से चलो निकलो निकलो जाओ ना जाओ जा। मुझे तो इन्हीं की चाल लग रही है कुछ मैं भी पता लगा के रहूंगी। अरे राधा जी हाँ हाँ जी प्रजान जी यहाँ से किधर से आ रहे हैं आप। अरे कुछ नहीं वो चमेली देवी के घर पर गए हुए थे हम। अच्छा अच्छा चमेली हाँ। देवी जो चश्मा जो लगाती है मोटी सी जो है हाँ हाँ मोटी सी जो है चमेली देवी जी हाँ बताइए। ऐसा था वो 10 लाख रुपए लोन पर ले रखे उन्होंने भैंस खरीदी थी 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए और बिजली का बिल नहीं भरा 2 महीने से। अरे दरोगा जी ये तो बड़ी दिमाग टेंशन वाली बात है। अब हमारे पास शेड्यूल आया उसकी कंप्लेंट लेकर उनके घर पर गए थे हम। वो तो बड़ी कड़क हो रहे थे मैं उससे मिला भी हूँ वो सुनती और नहीं किसी की नहीं सुनी अपने अपने चला। अरे दरोगा जी उनके पास जाओ ना तो वो तो ऐसे बोलती है ये वो है फलाने दिखाना चाहिए और बदतमीजी बोलती है। हाँ वो तो ये किया जाए हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम दोबारा वापस। आप तो अपना कार्रवाई कीजिए आपको उससे क्या करना है आपके पास जब 10 लाख की सारी पुष्टि है सारी चीज है कार्रवाई कीजिए। उनको हम एक शेड्यूल दोनों शेड्यूल दिया है कि इनका ये अगर बिल भर दीजिए और ये भर दीजिए ये काम दूसरे दिन जाने बिल्कुल बिल्कुल दरोगा जी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आगे मिल लीजिएगा। ठीक है ठीक है प्रधान जी ठीक है राम राम ठीक है राम राम ठीक है। चमेली देवी हैं क्या घर पे चमेली देवी एक तो चमेली देवी सुनेंगी रात में पेपर कर दो। हां जी हां हम दूसरे दिन की कह गए थे आपने तैयार किए नहीं किए क्या दोनों हम चीज दे गए थे एक लोन की दे गए थे और एक बिल दे गए थे आपको जो मैंने उस दिन कहा था आपकी समझ में नहीं आया क्या। आपने जो भी कहा आपके कहे अनुसार कानून नहीं चलेगा कानून अपने दिमाग से चलता है ये मत सोचना कि आपका राज हो जाएगा अगर आप इतना मतलब वो है
ये मत सोचना कभी, ये बहम मत पालना अपने अंदर। हम काय को पाल रहे हैं बहम, बहन तो तुम पाल के बैठे हो। क्या पाल के बैठे हम, बोलिए। तो मैंने जब तुमसे उस दिन कहा था जब तक मेरे बच्चे नहीं आ जाएंगे बिजली का बिल जमा नहीं होगा। अच्छा मतलब, और हमने लोन लिया ही नहीं है। सुनिए एक बात बताइए, अगर आपके बच्चे 10 साल तक नहीं आएंगे तो आप 10 साल तक ना बिल भरेंगी और ना लोन भरेंगी? ना उनकी बीवी थोड़ी है घर में, उन्हें बच्चे थोड़ी ना बनाने घर में, ना बीवी नहीं है उनकी है। नहीं बीवी एक भी दिखाइए, लाइए लड़कों की बीवी को बुलाइए, बुलाओ बुलाइए। चंपा चमेली अनारकली। हाँ तो ये बताइए आप लोगों के पति के बाहर हैं? अरे रुकी रुकी दरोगा जी, बताइए क्या ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है ये, क्या करेगा? नीचे नीचे निकाल, नीचे ऊपर देखना नहीं है। देख लो, मैं तो देख रहा था, चेक कर रहा था। क्या चेक कर रहा था? आप ही ने तो बोला था हवलदारी, तू ही ने चेक कर रहा था। इन्हें चेक करने के लिए मेरे तीन तीन बेटे हैं। अरे समझ में आ गई ना, मुझे अपने हवलदार पर पूरा पूरा भरोसा है इस तरीके। लेकिन मुझे इस हवलदार पर भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है। नीचे, अरे आप बिल्कुल नीचे करवाइए, लेकिन इनसे सवाल तो पूछवाइए। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ एक एक करके मंडी करो। हेलो मैडम, ऊपर हाँ छोटी, ये बताइए आपके पति कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं विदेश। कौन सा? अरे हवलदार जी, कब उसके घर दावत खाने जाना है, वहां पर क्या करने जाना है, रुक जाइए। अच्छा ये बताइए वो कितने सालों से नहीं आए हैं यहाँ? अभी वो 2 साल से नहीं आए हैं। अभी और कितने साल नहीं आएंगे, कुछ पता है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, बता दो कितने साल में आएंगे। बताइए जी, बताइए आपके पति कहाँ है? मेरे पति हरियाणा। हरियाणा है? अच्छा तो हरियाणा है तो वो कब आएंगे यहाँ बिल जमा करने? ये रोज रोज का आना मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं अब। हाँ भाई तीसरे आप बताइए। नीचे लिखा कर, अभी उससे बात पूछ रही। हाँ क्या बोल रही थी तू? बोल। मैं बोल रही थी मम्मी जी से आप बात कर लो। मम्मी जी से तो बात कर ही रहा हूँ। नीचे, बताओ नीचे, नाम, नीचे, बताओ नीचे। नाम। अरे दरोगा जी, अरे एक साथ ही नाम पूछोगे तू? बोल अब। हाँ आपके पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति? हाँ अब वो तो अम्मी को ही मालूम है। अम्मी को मालूम है, ये मालूम है कि मम्मी को मालूम, वो तो हमें भी मालूम है, मम्मी को मालूम है। लेकिन ये बताइए वो कब से नहीं आए? अरे हमें बात करने दीजिए। हाँ मुझे भरोसा नहीं है, खूबसूरत है बहू है मेरी, मुझे मालूम है। हम कोई, अच्छा हम मतलब क्या वो करने शादी करने आए बहुओं से? क्या है और क्या समझ रही है आप? तुमसे ये शादी कर भी लेंगी, इनकी इतनी किस्मत फूटी नहीं है, तुमसे शादी करेंगी। मेरे तीन तीन नौजवान सुंदर अट्टे गट्टे बेटे हैं मेरे। सही बात कही, हमें अपने पतियों से बहुत प्यार है। हवलदार जी जब तो बिल और वो जमा नहीं हुआ, तो चले गए। अभी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं हमारे पतियों की। अब तक क्यों नहीं आए वो? क्यों, तीन तीन बहुए हैं। और देखिए बिल के अलावा 10 लाख की भैंसे भी है। अरे दरोगा साहब जी, छोटा मोटा बात हो जाएगा। बोल बेटा बोल। हाँ बात ये है कि हमने कोई 10 लाख का लोन नहीं लिया है। हाँ। और पहले कागजों में रसीद चेक करो। हवलदार जी अरे सुनो मेरी बात, जाकर बैंक वाले से पूरे डॉक्यूमेंट्स लो हमारे, अगर मिलेंगे तो हम भरेंगे बिल। हमें दिखाया हुआ और वो दिखा हुआ दिखाएंगे। अनपढ़ मत समझो, अंगूठा टेढ़ मत समझो। शांत हो जाइए। हाँ क्यों हो जाएगी, शांत हो जाओ। आप हमारी सास पे, हमारे आदमियों पे आप आरोप लगा रहे 10 लाख का। अरे वो इतने कमा लेते हैं, अभी तो हमारे पति कमाते हैं। अरे दरोगा, सुनो। अरे चमेली जी। अरे प्रधान जी। चमेली अरे नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। देखो तुम्हारे मोहल्ले में हम रह के ऐसे ऐसे हो रहा है। देखो प्रधान जी, अरे आपकी दरोगा जी मुझसे उस दिन बात हुई थी। हुई थी बात? आपने बताया था चमेली जी। अब चमेली जी क्या मैटर है? ये 10 लाख की भैंस का लोन और बिल 2 महीने का, ये मैटर है। 10 लाख का लोन बता रहे हैं प्लस क्या कहते हैं बिल बता रहे हैं बिजली का। अब कैसे क्या होगा चमेली? देखो रुक जाओ मम्मी जी, चुप रहे ना, मैं बोल रही हूँ। सब शांत रहोगी ना? बच्चों आप चुप रहो। बच्चों नहीं है वो, तीन तीन बहुएं मेरी। देखो जी इनकी तो निगाह बहुत गंदी है, जब से मेरी बहू खड़ी है लाइन मार रहा है ना। मैं देख रही हूँ, कोई तरीका है पीछे आश्वासन है? तुम भी नीचे करके रहो। लोग अपने आप अच्छे से आप चमेली लपर लपर जवान चला रही है। अरे तुम क्यों कह रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मैं आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, आप चुप रहिए चमेली जी, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। अब बात तो बताइए पूरी बात। देखिए बात ये है कि ये कह रहे हैं कि लोन लिया है। अच्छा, और लोन हमने लिया नहीं है। 10 लाख का लोन कैसे ले लेंगे तुम ही बताओ। तुम्हें तो पता है प्रधान जी, ऐसी बात करो, मेरे बेटे विदेश में 2-2 लाख रुपए कमाते हैं। उसका भी टाइम होता है, जमा करने का टाइम होता है लोन का। और दरोगा जी आप अपनी जगह ठीक है, चमेली जी अपनी जगह ठीक है। देखिए इनका कारोबार किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है
कि चमेली जी लोन लेने। अच्छा आप तो या तो आप कंफ्यूजन है या बेवकूफी है यार। दरोगा जी आप ये सोचिए, ये इतनी समृद्ध है, इनके घर में 10-10, 20-20 भैंसे हैं, परिवार भी अच्छा है, तीनों लड़के इनके बाहर काम करते हैं, तो सर आप ये सोचिए इतना अच्छा खासा पैसा होने वाला है, चमेली जी ये 10 लाख का लोन क्यों लेंगे? आपके दिमाग में कोई गलती आई है या बैंक का घोटाला? प्रधान जी इसमें आया चमेली जी, प्रधान जी पहले आप इसमें देखो पर्ची, आप इसे पढ़िए प्रधान जी, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर्ची मंगाती हूँ, नहीं रहने दीजिए, मैं सुनिए इसमें देख लो इसमें लिख रहा हूँ मैं, आपके अनुसार चलूंगा, आप बताएंगे। देखो ये साफ साफ लिख रहा है, देखो ये 10 लाख रुपए लो और ये देखो बिल। अम्मी जी कुछ बोलूं? ये बात तो सही है चमेली जी, आप मेरी बात सुनिए, आप बात तो इनकी सही है, हम झूठ बोलेंगे? आपके से है ये लोन, इसमें लोन आपके नाम से ही है। मैं तो देखो प्रधान जी बिल्कुल ना मानूंगी, ऊपर से भगवान भी इस बात को कहेंगे कि लोन ले रखा मैं तो भी। देखिए इस बात को तो मुझे भी मानने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं। अरे एक बात बताओ प्रधान जी, तुम तुम्हारे इस गाँव हमारी वजह से प्रधान बने हो तुम? नहीं ये सही है, आप समझिए, आप कार्रवाई कीजिए, आप पूरी तहकीकात कीजिए, शायद हमसे गलती हो गई। ठीक है क्या नाम है आपका? चमेली जी। चमेली जी, तो चमेली जी हमें माफ करें। ठीक है ठीक है, मैं तो चमेली देवी है ही ऐसी कि सबको क्षमा करती है। चलिए ठीक है ठीक है दरोगा, ठीक है ठीक है ठीक है प्रधान जी, राम राम। ठीक है चमेली जी मैं भी चलता हूँ, राम राम सभी को चमेली जी। चमेली जी मैं भी चलता हूँ, चलिए ठीक है ठीक है, क्या हो गया चलो।